हाय फ्रेंड्स, प्रॉफिट गाइड चैनल में आज आपका दोबारा स्वागत। तो दोस्तों, नवरात्रि चालू हो गया है। आप सब लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो देखिए, उससे पहले गणेश पूजा गया है, अभी नवरात्रि चालू हो गया है, आगे दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगा। एक प्रकार की फेस्टिवल की लाइन लग गई अभी। तो ये एक समय है, ये एक वक्त है जब लोग कई सारे बड़े डिसीजन लेते हैं, चाहे खरीदने के लिए चाहे बेचने के लिए। तो ये एक सही मौका है दोनों के लिए, बायर के लिए और सेलर के लिए, खास करके रियल एस्टेट में। तो आज हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल रियल एस्टेट। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। जब ये नवरात्रि और दिवाली आते हैं, खास करके इंडिया में, लोग इसको शुभ दिन मानते हैं, ऑस्पिशियस डे मानते हैं। तो इस शुभ दिन में क्या होता है, वो लोग बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि सोना खरीदना है, घर खरीदना है, या कुछ बड़ा शिफ्टिंग करना है, या नया ऑफिस लेना है। ये सारे डिसीजन इसी टाइम लिया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन है, दिवाली के आसपास लगभग सब लोगों को कुछ ना कुछ बोनस अपने कंपनी से मिल जाता है। तो वो सारे फंड और अपने जमा किए हुए सारे पूंजी मिला के वो लोग कहीं पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं। तो मार्केट का ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को देखते हुए, खास करके कई डेवलपर अपने पुराने स्टॉक्स निकालने के लिए कई सारे ऑफर्स लेके आते हैं। तो जिसके कारण खास करके जो बायर्स होते हैं, उनको बहुत सारे लुभाने वाले ऑफर मार्केट में देखने मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, 20% अभी पे करिए, 80% पोजिशन के वक्त। तो ये भी एक ऑफर है, कई बिल्डर देते हैं आजकल, कि 20% आप भर दीजिए, रिमेनिंग पूरा काम होने के बाद जब आपको फ्लैट चाहिए मिलेगा, तभी आप रिमेनिंग पेमेंट चाहे ईएमआई के थ्रू चाहे वन डाउन पेमेंट में भर सकते हैं। और दूसरी ऑफर क्या होता है, अभी दशहरा तक या दिवाली तक आप कहीं भी प्रॉपर्टी बुक करते हैं, कई सारे बिल्डर का कुछ फ्री ऑफर्स रहते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन। तो ये भी बहुत प्रचलित है, कई जगह पर लोग गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए लोग बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को लेना होता है। और ये छोटा सा एक इंसेंटिव मिलता है, तो उनको डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता है। आपको ऐसा भी ऑफर देखने मिलेगा कि नो जीएसटी, नो स्टाम्प ड्यूटी, नो रजिस्ट्रेशन, जस्ट आप प्रॉपर्टी का कॉस्ट पे करके प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि आपको फ्री फर्नीचर्स, जैसे कि आपके फ्लैट के साथ मॉड्यूलर किचन कॉम्प्लीमेंट्री, यदि आप दशहरा में बुक करते हैं। या तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा कि आपको फ्लैट के साथ सारे रूम में एसी लगा रहेगा, या तो फ्रिज रहेगा। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए, क्योंकि अभी जो माहौल है, ये जो फेस्टिवल माहौल है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए डेवलपर ऐसे तरह तरह की ऑफर लेके आते हैं। और कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं, मतलब आपको प्रॉपर्टी देखना है करीबन 40-50 किलोमीटर दूरी पर, आप जहाँ रह रहे हैं, तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको पिकअप करके ले जाएंगे, साइट विजिट कराएंगे, फिर आपके घर पर छोड़ देंगे। तो ये भी एक ट्रेंड चालू हो गया है, खास करके आप लोगों को लुभाने के लिए। तो ये टाइम में आपको यदि प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी प्लान, कोई भी ऑफ़र आपको अच्छा लग रहा है, तो उस ऑफ़र में आप कुछ पैसा बचत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं, रियली कर रहे हैं, मतलब उसको कंपेयर करिए मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वहाँ बिकते हैं, और उसी प्रकार की प्रॉपर्टी, उसी प्रकार की ब्रांड वैल्यू की प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका प्राइस क्या है, मतलब रियली कुछ सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमेशा आप देखिए कि आपको जो फाइनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट कोई बता रहा है, फिर उसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, क्लब हाउस चार्जेस, अदर चार्जेस, ये सारे जोड़ के आप देखिए ओवरऑल एक्सपेंसेस आपको क्या पड़ रहा है प्रॉपर्टी। और जिस बैंक से आप फाइनेंस ले रहे हैं, या जिस प्रोजेक्ट को जिस बैंक से फाइनेंस मिल रही है, उसका इंटरेस्ट रेट भी आप चेक करिए। और यदि बिल्डिंग का ओसी आ गया है, तो आप कुछ पैसा जीएसटी से बचा सकते हैं, वो आपको बिल्डर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप देखिए उस प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं। और यदि रेरा में रजिस्टर्ड है, तो आप बाकायदा रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उस प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ चेक करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जो सेल्समैन है या जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कुछ आपको बताए होंगे, और रेरा का वेबसाइट में और कुछ रहेगा। तो ये दोनों मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं हो रहा है,
तो आप बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। और साथ में उस डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करिए, उन्होंने पहले कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रोजेक्ट डिलीवरी दिए थे, और वहाँ के जो पुराने क्लाइंट्स है, कस्टमर है, उनका फीडबैक हो सके तो लीजिए, तो आपको वो डेवलपर के बारे में, उस बिल्डर के नेचर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगा, तो आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। और बहुत जगह पे आप जाएंगे, वहाँ के सेल्स पर्सन या वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि सर यहाँ पे मोनोरेल आ रहा है, यहाँ पे मेट्रो आ रहा है, और यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल आ रहा है, यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। तो ये सारे चीज़ आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, आप खुद फिजिकली चेक करिए कि सही में वहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं तो गूगल में चेक करिए, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। फिर आप जो दो चार प्रॉपर्टी देखे हैं उसमें कंपैरिजन करिए कि कौन सी लोकेशन पे आपके बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी आ रहा है, और फ्यूचर में बहुत कुछ वहाँ पे आने वाला है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। और कोई भी प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं, कोई भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, आप अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करिए। मान लो वहाँ पे कल आप रहने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कैसा लगेगा, मतलब वहाँ का वाइब्रेशन आप फील करिए, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है। यदि आपको पॉजिटिव फील हो रहा है और आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये सारे ऑफर्स, ये सारे स्कीम जो आते हैं खासकर फेस्टिवल टाइम पे, ये आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए। लेकिन आपको मुझे ये कहना है कि आप इमीडिएटली डिसीजन मत लीजिए, आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए, और यदि हो सके तो उस लोकेशन में और 4-5-6 डेवलपर का प्रोजेक्ट आप देखिए, या आप रीसेल में देख रहे हैं तो वहाँ पे सेम क्वालिटी का, सेम कंस्ट्रक्शन में और दूसरे ऑप्शन भी देखिए। देखने के बाद आप कंपेयर करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ पे आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो रहा है, उनके बैकग्राउंड चेक करके सेटिस्फाइड हुए हैं, वहीं पे आप डिसीजन लीजिए और आपको सही टाइम में आपका प्रॉपर्टी मिल जाए। और कहीं पे प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अभी चेक करिए कि फ्यूचर में कल को 2-3 साल बाद आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, तो उस बिल्डर आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC के लिए क्या चार्ज करने वाला है। कई सारे पुराने डेवलपर हैं जो समझते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है तो बेच के निकल जाते हैं, तो उस केस में वो लोग अभी से डिक्लेयर करते हैं कि सर हम लोग NOC का चार्ज आपसे नहीं लेने वाले हैं, आपके लिए एक प्रकार की ऑफर है, तो उसको भी आप अपने डिसीजन मेकिंग लिस्ट में रखिए। और कहीं पे प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसका कनेक्टिविटी बिल्कुल चेक करिए, वहाँ पे स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे लोकल ट्रेन चालू होने वाला है, वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, ये सब चीज़ में आप इतना जल्दी विश्वास मत करिए। आपको फिजिकली वहाँ पे जाके खुद अपने गाड़ी पे वो सारे चीज़ चेक करिए, फिर आप कंपेयर करिए, और उसमें से जो बेस्ट मिलता है वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। और ये जो ऑफर्स आते हैं, खास करके डाउन पेमेंट बढ़ाइए और ज़्यादा डिस्काउंट लीजिए, या तो 20% अभी दीजिए, 80% पोजीशन का टाइम दीजिए, और दिवाली के लिए 3 लाख डिस्काउंट, दशहरा के लिए गोल्ड कॉइन फ्री, तो ये सारे चीज़ बहुत बढ़िया है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं एक 25 से 30-40 लाख का एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और सामने ये जो गिफ्ट आते हैं फ्री गिफ्ट, मुश्किल से 30-40-50 हज़ार का मैटर है, तो आप 30-40-50 हज़ार का जो मैटर है उसको साइड में रखिए। पहले आप सारे प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से उसको एसेस करिए, कंपेयर करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। या कल को वो डेवलपर उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया, बनाया नहीं, तो आपका क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 15-20-30 लाख रुपया पानी में गया, और आप किसके लिए डिसीजन लिए थे, 2 दिन के अंदर बुक करेंगे तो आपको गोल्ड कॉइन मिलने वाला था, तो उस 50 हज़ार के लिए आप अपना 15-20 लाख रुपया पानी में डाल रहे हैं। तो उसी लिए बी केयरफुल, ज़रूरी नहीं कि आपको आज मिल रहा है तो कल नहीं मिलेगा, मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, लेकिन आप उसमें से बेस्ट चीज़ निकालिए और अपना इन्वेस्टमेंट डालिए। और ये सारी चीज़ मुझे जो बताने का कारण है, आपको डराने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी बीच प्रॉपर्टी खरीदें, और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर का प्रोजेक्ट इसी बीच बिके, और ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट इसी बीच अपने सौदा करें, तो सब लोग कुछ ना कुछ कमाएंगे, सब लोग कुछ ना कुछ फ़ायदे में रहेंगे,
लेकिन गलत चीज़, गलत डिसीजन या गलत जगह पे आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज कहीं पे आप डाल देते हैं और कल को प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होता है या स्क्रैप हो जाता है, फिर आपका पूरा लाइफ अगले 10 से 20 साल बिगड़ जाएगा। ये जो दशहरा का टाइम या जो नवरात्रि का टाइम बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, थोड़ा आप खुद मेहनत करिए। आप सेल्समैन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सेल्समैन जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है उसमें ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। आप खुद वहाँ पर जाइए, खुद वहाँ पर छानबीन करिए, भले आपका 2 से 4 दिन बिगड़ जाए, लेकिन आपका जो जीवन की जो जमा पूंजी 25-30 लाख रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो और आपको एक बढ़िया रिटर्न मिले, ताकि आपका ज़िंदगी आगे सुखमय हो। तो दोस्तों, ये एकदम सही वक्त है यदि आपको कहीं पे एक इन्वेस्टमेंट करना है रियल इस्टेट में, चाहे रीसेल पे, चाहे नए प्रोजेक्ट में। आप अपने फैमिली के साथ सारे लोकेशन देख लीजिए और फिर आप फ्री टाइम निकाल के खुद उस लोकेशन के ऊपर आप स्टडी करिए, चाहे आप ऑनलाइन गूगल के थ्रू करिए या चाहे लोकल रेफरेंस के थ्रू करिए। लेकिन डीपली स्टडी करने के बाद, कंपेयर करने के बाद यदि आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपको रियली फील होता है कि वो आपका वर्थ है वो इन्वेस्टमेंट, फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो फेस्टिवल रियल स्टेट। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल पे शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो आज के लिए आप लोग हमको इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।